गुड मॉर्निंग दोस्तों यार, वेलकम बैक टू सैनी व्लॉग। हाँ तो गाइस, आज है 22nd of May और आज सैटरडे भी है। वैसे आज मैं सिर नहाया हूँ। सैटरडे को मैं सिर नहाता नहीं, क्योंकि यार देखो मेरा संडे का रूटीन होता है, हर संडे संडे सिर नहाना है। तो आज सैटरडे नहाने के पीछे भी इसके एक रीज़न है, क्योंकि कल रात को ना 1:30 बजे के करीब इतनी तेज बारिश हुई ना, तो ऊपर मम्मी ने गलती करी, सारे कपड़े ऊपर सुखा रखे थे, कल मम्मी ने धोके दोपहर में, तो फिर इसी चक्कर में मेरे को भाग भाग के जाना पड़ा ऊपर। ऊपर गया तो गया पर छाता भूल गया, कपड़े तो बचा लिए, फिर अपना मैंने सिर सारा गीला करवा लिया बारिश के पानी में। तो फिर नीचे गया, फिर मैंने मम्मी को बोला मैं सारे सिर गीला हो गया, मैं सिर नहा लेता हूँ। मम्मी कहती कोई नहीं सुबह नहा लियो। फिर मम्मी कहती जरूरी भी है नहाना, क्योंकि यार देखो बारिश के पानी में अगर सिर गीला होता है ना तो सिर नहा लेना चाहिए, क्योंकि फिर जुएं वगैरह पड़ जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है फिर नहा लेते हैं, संडे से क्या, संडे से नहाते ही हैं, सैटरडे नहा लेते हैं। तो यही था मेरा मेन रीजन जो कि मैं सैटरडे को सिर नहा लिया। चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ हम लोग करते हैं आज का व्लॉग चालू। हाँ तो गाइस अभी चलते हैं मम्मी के पास, सिर पे तेल लगवाता हूँ। तो रुको तुम्हें दिखाता हूँ मम्मी कैसे लगाती है सिर पे तेल। रुको तो हम आ चुके हैं अपनी मम्मी के पास, अब तेल लगवाता हूँ सिर पे। सबसे पहले कैप उतारी मम्मी, चलो यार दर्द कम करना यार। मिशन चालू। हाँ यार तुम्हें पता है यार सरदारों में क्या होता है कि तेल लगाने के बाद जो अड़े निकालनी होती है ना, तो यार इतनी दर्द होती है ना, तो अभी वही होएगा। और उसके ऊपर इसके बाल बहुत ज्यादा कर्ल है, इसके बालों में बहुत ज्यादा, इसकी वजह से इस बेचारे को बहुत परेशानी होती है। थोड़ा ना बाल कम घिसना है यार, ठीक है, दर्द ज्यादा होती है। मजा बड़ा आता है गाइस मालिश कराने में, तुम करवाते हो क्या? क्योंकि एक बार ही सिर नहाना होता है, तो एक बार सिर नहाने के बाद एक बार अच्छी मालिश क्यों ना हो जाए, तो इस करके मम्मी से एक बार मैं अच्छी मालिश करवा लेता हूँ मैं। तो चलो अभी मैं सिर अभी मम्मी से मालिश करवाता हूँ अपनी, तो आपसे मिलता हूँ। सिर मम्मी क्या क्या करते हैं इसको, सिर झसना कहते हैं? भूत बना दिया आपने मेरे को, रुकते जाओ 1920 वाला घोष बना रहे हो मेरे को। तो चलो मैं तेल लगाने के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है? हाँ तो गाइस मम्मी मेरे तेल लगा चुकी है, अब है सबसे इम्पोर्टेंट काम और सबसे दर्दनाक काम, बालों को सुलझाना। तो उसमें इतनी ज्यादा दर्द होती है ना यार, चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे बाल सुलझाता है, रुको जरा। अड़े निकालते हैं, बड़ी दर्द होती है यार, जंग लड़नी पड़ती है यार बालों के साथ सिर नहाने के बाद, सरदारों को खास की। अरे बड़ी दर्द हो रही है, जिस जिसके साथ ऐसा होता है सिर नहाने के बाद, अड़े निकलने के बाद सिर में बड़ी दर्द होती है, तो कमेंट में जरूर लिख के बताना, ठीक है? तो चलो गाइस मैं आपको सिर कंघी करता हूँ अभी, तो कंघी करने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ तो फाइनली गाइस हम लोग अपने बालों से जंग जीत चुके हैं, तो अब चलते छत के ऊपर, क्योंकि सारे हैं छत के ऊपर ही, मम्मी पापा दीदी सब ऊपर हैं। चलो ऊपर चलते हैं, फिर सबसे मिलते हैं कि क्या कर रहे हैं छत पे। तो हम आ चुके हैं छत के ऊपर, पापा तो लगे हुए हैं थोड़ी छत साफ करने, मम्मी और मन्नू हैं ऊपर, दीदी है ऊपर। तेरे को डर लगता है क्या वीडियो में आने में? दीदी ना थोड़ी शर्माने लग गई आजकल, पहले नहीं शर्माती थी, अब ज्यादा शर्माती है। ये दीदी जा इधर 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 इधर, ये दीदी इधर आ इधर इधर। ये दीदी है ना जो ये ज्यादा शर्माने लग गई आजकल, इसको मारना ही पड़ेगा। बट तो ये देखो यार आप इतनी पतंगे उड़ रही है ना, आपको पतंगे उड़ते दिखाते रुको। तो ये देखो पतंगे उड़ रही हैं, बच्चे आईबो चला रहे हैं जोर जोर से। मेरे को आज ज्यादा नहीं दिख रही यार, कल ज्यादा थी, आज फिर भी थोड़ी है। आज मच्छर ज्यादा है, पतंगों की जगह मच्छर ज्यादा है आज। हाँ तो गाइस ये हमारे पापा ना कुछ पीने जा रहे हैं, क्या पी रहे हो? ये बेटा कोल्ड ड्रिंक ही है। रुको इसकी इसकी बात सुनाएंगे, ये कैमरा के पास आके खोलो, इसकी कैमरा के पास आके ढक्कन खोलो, कैमरा के पास आके, इसकी बात बड़ी मसला। अबे कैमरा के पास आके ढक्कन खोलो यार, सुनाओ। ओए होए 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 गाइस इसकी बात जो होती ना अच्छी लगती है, बढ़िया। चीयर्स चीयर्स तो कर लेते यार पापा। ये इसने गाइस मेरे पापा ने ना इसको एक नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है इसको पापा? ये कोल्ड ड्रिंक है बेटा, ये अपना कोल्ड ड्रिंक कोई ले, इसको बियर बोलते हैं आप, मेरे को पता है अच्छी तरह, इसका बियर का टेस्ट है। कोल्ड ड्रिंक इसका टेस्ट बियर की तरह ही है, लेकिन है ये कोल्ड ड्रिंक ही है। तो चलो इनको पीने दो, अभी थोड़ी देर तक हम नीचे चलते हैं, क्योंकि गाइस आज डिनर में बड़ी मस्त चीज बनेगी, और वो है बटर चिकन, और वो बनाएगी हमारी माता, माता श्री बनाएगी, तो वो धोना हमें पड़ेगा। तो चलो चलते हैं थोड़ी देर तक नीचे, फिर आपको दिखाता हूं बटर चिकन कैसे बनता है। गाइस ये बियर नहीं है, ये एप्पी फिज है, इसको पापा इसको नाम से बियर बुलाते हैं प्यार से, इस पे बी भी लिखा है ना इस करके, है ना? स्वाद लगती है पापा आपको? बहुत टेस्टी लगती है, इससे पेट का मेरे लिए भी एक लेके आना, पर रेड बुल लेके आना यार, ये मैं नहीं पीता, मैं रेड बुल पीता हूं एनर्जी ड्रिंक। कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस यहां से, पाइप उतार रहे हैं बेटे, कल आपको पता नहीं है पापा, कल नेरी आई है तो पाइप उड़ गया, वो कल रात को डेढ़ मैं बता रहा था ना कि कपड़े भी हमारे गीले हो गए और साथ में पाइप भी उड़ गई, ऊपर जितना सारा सामान पड़ा था प्लास्टिक को उड़ के दूसरी छत पे चले गए, अब लेके आना पड़ेगा। जॉइंट है पाइप, देखिए
यार मच्छर इतने हो रहे ना गाइस, हाथ में मच्छर ही मच्छर काटी जा रहे हैं, तो नीचे ही जाना पड़ेगा। चलो नीचे चलते हैं यार। हाँ तो गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ, तो मैं अपना चिकन धोता हूँ। मम्मी ने भी अपना सारा वेजिटेबल्स वगैरह काट दी, प्याज टमाटर सब काट दिया। अब मेरा काम है चिकन धोने का, फिर उसके बाद कढ़ाई में डाल देते हैं। ये रहा हमारा चिकन, तो अब इसको धोते हैं। रुको, इसको ना यार गाइस अच्छी तरह धो लिया करो, क्योंकि इसमें भी थोड़े जर्म्स वगैरह रहते हैं ना, तो अच्छी तरह धुल जाते हैं। बाकी चिकन ये मेरे को तगड़ा लग रहा था, पीस तो एकदम बढ़िया बढ़िया आए हैं इसके। चलो ये तो धुल गया अच्छी तरह। हाँ तो गाइस चिकन धुल चुका है हमारा अच्छी तरह, तो अब इसको कढ़ाई में डालते हैं, तो आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा मसाला है जिसमें हम चिकन डालेंगे, और ये रहा हमारा चिकन, तो चलो डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ना, माँ करना मिक्स करना, मेरे हाथ में पेन नहीं है। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा गाइस। इसको ना अच्छी तरह जितना, मतलब कि जितना आप रोस्ट कर सकते हो ना मसाले के अंदर, उतना अच्छी तरह रोस्ट कर लो, क्योंकि फिर जब बाद में आप खाओगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर पानी भी डालना, माँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देना इसमें। कितना, आधा गिलास? फिर जब ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए ना, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, आधा ग्लास। फिर उसको 10 टू 15 मिनट्स ऐसे लीव कर देना। फिर भाई साहब उसको बाद में टेस्ट करना, क्या टेस्ट आएगा। अभी देखो, रुको, जब मेरा चिकन बनता है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मस्त फ्लेवर आएगा, और कितना यार क्या मस्त पानी आ जाएगा यार खा के उसके मुंह में। तुम्हें तो देखते ही पानी आ जाएगा यार। रुको जरा दिखाता हूँ तुम्हें बाद में, बनने दो पहले। हाँ तो गाइस फाइनली हमारा चिकन बन के हो चुका है रेडी, तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है वो। हाँ तो गाइस ये देखो हमारे चिकन की फर्स्ट लुक। ओए भाई क्या गजब लग रहा है यार। ओए भाई मजा आ जाएगा खा के यार इसको, तो लेग पीस भरे हुए हैं भाई, मजा आ जाएगा यार आज तो खा के। आज तो डिनर एकदम मस्त होएगा गाइज। अगर किसी को खाना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं उसके घर भेज दूंगा। भाई साहब क्या मस्त लग रहा है। हाँ तो गाइज हमारा बटर चिकन बन के रेडी हो चुका है, तो चलो मैं इसे खाता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर हम करते हैं अपना ब्लॉग एंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सब्सक्राइब थोड़ा कर दो यार, थोड़ा अपने भाई को प्यार दिखा दो। चलो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।